बसमिल्लाम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू एजुकेशनल चैनल के एम सी एच आई एम खालिद महमूद फ्राम के एम सी एच फिजिक्स अकैडमी आर सब्जेक्ट इज़ फिजिक्स ऑफ क्लास टेंथ वी आर सॉल्विंग इट्स एग्जाम्पल्स टुडे वी हैव टू सॉल्व एग्ज़ाम्पल नंबर थर्टीन पॉइंट थ्री ऑफ यूनिट नंबर थर्टीन यूनिट नंबर थर्टीन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेट अस सी द स्टेटमेंट ऑफ एग्ज़ाम्पल नंबर थर्टीन पॉइंट थ्री ड फोर पॉइंट जीरो माइक्रोफेरेड एंड फाइव पॉइंट जीरो माइक्रोफेरेड आर अरेन्ज इन पैरल कॉम्बिनेशन तीन कैपेस्टर हैं हमारे पास उनमें से एक जो है वो थ्री पॉइंट जीरो माइक्रोफेरेड का है दूसरा कपेस्टर फोर पॉइंट जीरो माइक्रोफेरेड का है और तीसरा कपेस्टर जो है उसकी कैपेसिटेंस जो है वो 5.0 पॉइंट जीरो माइक्रोफेरेड है उन तीनों को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा हुआ है विद अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट और उनको एक 6 वोल्ट की बैटरी अटैच की है वेयर 1 माइक्रो माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस सिक्स फेरेड और हमें ये बताया गया कि वन माइक्रोफेरेड जो है वो टेन की पावर माइनस सिक्स के बराबर होता है और फाइंड क्या करना है हमने नंबर ए द टोटल कैपेसिटेंस यानी तीनों कैपेसिटर्स जो हमने पैरल कॉम्बिनेशन में लगाए हैं उन तीनों की टोटल कैपेसिटेंस क्या बनेगी द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर और हर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी द क्वान्टिटी ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर कि हर कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जो चार्ज स्टोर होना है उसकी क्वांटिटी क्या होगी तो ये तीन क्वेश्चन हैं जिनका हमने आंसर देना है पहले हम ये कैपेसिटर्स जो हैं इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में अट जोड़ा हुआ है अरेंज किया हुआ है हम इसको देख लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स जो हैं वो किस तरह से अटैच होते हैं ये हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं एक कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस सी वन है वो थ्री पॉइंट जीरो माइक्रोफेरेड का है दूसरा सी टू का है वो फोर पॉइंट जीरो माइक्रोफेरेड है और तीसरा सी थ्री है वो 5.0 पॉइंट ज़ीरो माइक्रोफेरेड है और इन तीनों को हमने ये पैरेलल जोड़ दिया है यानी तीनों की एक प्लेट से कनेक्शन लेके तो हमने इनको इकट्ठा कर दिया तीनों को और इस तरह से यहाँ से तीनों प्लेट्स की एक एक कनेक्शन लेके इसको यहाँ पे हमने इकट्ठा कर दिया और इसको फिर हमने ये बैटरी 6 वोल्ट की जो है अटैच कर दी है इसके साथ यूँ तो ये हमने एक की लगा दी है जब हम की को प्लग इन करेंगे तो ये बैटरी जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगी यहाँ पर इसका मतलब ये कि जब यहाँ पे बैटरी अटैच हो जाएगी यूँ तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसके अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो कि बैटरी का पोटेंशियल है यानी छः वोल्ट पोटेंशियल जो है वो हर कैपेसिटर को मिलेगा तो अब हमने इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस मालूम करनी है और उसके बाद हमने हर कैपेसिटर जो है उसके ऊपर जो चार्ज स्टोर होना है वो मालूम करना है C1 वन कपेस्टन्स कितनी है कैपेसिटर नंबर वन की 3.0 पॉइंट जीरो माइक्रो फेरेड है इसके फेरड बनाएंगे 3.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन के पावर माइनस सिक्स फेरड बनेंगे क्योंकि माइक्रो जो है टेन के पावर माइनस सिक्स होता है C2 4.0 पॉइंट जीरो माइक्रो फेरड है ये 4.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन पावर माइनस सिक्स फेरड बन जाएगा और C3 जो है ये 5.0 पॉइंट जीरो माइक्रो फेरड है ये 5.0 पॉइंट जीरो टेन एज पर माइनस सिक्स फेरड बन जाएगा तो एक क्वेश्चन जो था हमारे पास यानी पहला पार्ट वो था टोटल कैपेसिटेंस मालूम करनी है टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हम उसको C इक्विवेलेंट लिख लेते हैं इक्विवेलेंट EQ से तो ये हमने मालूम करना है और हमें ये मालूम है वी नो दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर कैपेसिटर्स इन पैरेलल इज कि जब कैपेसिटर्स को पैरेलल जोड़ा जाता है तो उनकी जो मजमू कैपेसिटेंस होती है वो उन सब की कैपेसिटेंस को जमा करके हासिल होती है यानी सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री होगी तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगी सी की जगह पे थ्री पॉइंट जीरो इंटू टेन पावर माइनस सिक्स फैरड प्लस सी टू की जगह पे फोर पॉइंट जीरो इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स फैरड प्लस सी थ्री की जगह पे फाइव पॉइंट जीरो इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स फैरट अब इन सब में टेन की पावर माइनस सिक्स फैरट है इस टर्म में भी है इसमें भी, इस भी है और इसमें भी है तो ये टेन की पावर माइनस सिक्स फेरड हम कॉमन ले लेते हैं तीनों में से तो इसमें से ब्रैकेट में रह जाएगा हमारे पास थ्री पॉइंट जीरो प्लस इसमें से ब्रैकेट में रह जाएगा फोर पॉइंट जीरो प्लस इसमें से ब्रैकेट में रह जाएगा 5.0 तो अब ये ब्रैकेट जो है इसमें सम हो रहा है तो इसको सम कर देंगे तो ये 3 प्लस फोर प्लस ट्वेल्व ये प्लस फाइव है ये ट्वेल्व बन जाएगा तो ट्वेल्व इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स फेरेट बन जाएगा और टेन की पावर माइनस सिक्स क्या होती है ये माइक्रो होता है तो इसलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है तीनों कैपेसिटर्स की या टोटल कैपेसिटेंस जो है तीनों कैपेसिटर्स की वो बारह माइक्रो फेरेट बन जाएगी एक क्वेश्चन जो है उसका हमने आंसर दे लिया दूसरे क्वेश्चन के लिए वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर तो हमने डायग्राम में देखा कि हर कैपेसिटर जो है उसको सेम वोल्टेज मिल रही है और वो वोल्टेज बैटरी की वोल्टेज के बराबर है तो वी नो दैट फॉर कैपेसिटर्स इन पैरेलल द पोटेंशियल विल बी सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल होगा एंड इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी अटैच्ड और वो किसके बराबर होगा जो हमने बैटरी अटैच की उसकी वोल्टेज के बराबर तो इसलिए V इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो वोल्ट होगा हर कैपेसिटर के अक्रॉस तीसरा क्वेश्चन था हमारा चार्ज हमने हर कैपेसिटर के ऊपर मालूम करना है तो चार्ज ऑन कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस C1 यानी C1 जो हमारे पास कैपेसिटर है उसके ऊपर जो चार्ज आएगा पहले हम वो मालूम करते हैं उसको हम Q1 रख लेते हैं कि उसके ऊपर जो चार्ज आना है वो Q1 है और Q1 हमने मालूम करना है क्यू तो वन जो है इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो क्यू चार्ज के लिए हमारे पास फार्मूला है हमें मालूम है कि किसी भी कैपेसिटर के लिए क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है तो सी क्या होता है उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और वी क्या होता है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो इसलिए क्यू वन जो है ये बराबर आ जाएगा सी वन वी क्योंकि कैपेसिटेंस जो है उसकी सी वन है पहले कैपेसिटर की और पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अक्रॉस वी है तो ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो सी वन कितना था थ्री पॉइंट जीरो इंटू टेन पॉल माइनस सिक्स फेरड था और वी कितना है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो सिक्स पॉइंट जीरो वोल्ट है यानी जो बैटरी का पोटेंशियल है तो इसमें ये फेरड जो है ये हमारे पास सी ओवर वी होता है यानी कोलम ओवर वोल्ट तो वोल्ट वोल्ट से कट जाएगा हमारे पास यूनिट आ जाएगा कोलम और इसको हम थ्री को जब सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एटीन बन जाएगा तो एटीन पॉइंट जीरो इन टू टेन की पावर माइनस सिक्स आ जाएगा तो टेन की पावर माइनस सिक्स क्या होता है ये माइक्रो होता है तो इसका मतलब यह कि क्यूब वन इज इक्वल टू एटीन पॉइंट जीरो माइक्रो कोलम तो पहला कैपेसिटर जो है जिसकी कैपेस्टेंस सी वन है उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो 18.0 पॉइंट जीरो माइक्रोकोलम आएगा दूसरे के लिए मालूम करते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर विद कपैसटेंस सी टू यानी वो वाला कैपेसिटर जिसकी कपेस्टेंस सी टू है उसके ऊपर जो चार्ज आना है उसको हम क्यू टू रख लेते हैं और ये क्यू टू हमें मालूम करना है तो उसी फार्मूला के तहत क्यू टू बराबर होगा सी टू वी यानि कपैसटेंस कितनी है कैपेसिटर की है, और उसके करॉस वोल्टेज कितना है तो कैपेसिटेंस उसकी सी टू है वोल्टेज हम जो बैटरी की वोल्टेज है वो वोल्टेज लगाएंगे और सी टू कपेस्टेंस लगाएंगे यहाँ पे तो वो सी टू कपेस्टेंस कितनी थी फोर पॉइंट जीरो इन टू टेन पावर माइनस सिक्स फैरड और वोल्टेज कितनी है उसके क्रॉस सिक्स पॉइंट जीरो वोल्ट तो उसी तरह से ये फैरड जो है ये सी ओवर वी होता है तो वी वी से कट जाएगा हमारे पास यूनिट सी आ जाएगा फोर को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ट्वेंटी फोर बन जाएगा और टेन की पावर माइनस सिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ तो ये टेन की पावर माइनस सिक्स क्या होता है ये माइक्रो होता है तो इसलिए ट्वेंटी फोर पॉइंट जीरो माइक्रोकोलम चार्ज दूसरा कैपेसिटर जो है जिसकी कपेस्टन सी टू है उसके ऊपर स्टोर होगा तीसरे कैपेसिटर के लिए मालूम करते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस सी थ्री उसको हम क्यू थ्री रख लेते हैं ये हमने मालूम करना है तो क्यू थ्री बराबर होगा सी थ्री वी यानी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सी थ्री और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर तो ये C3 कितना है उसकी कैपेसिटेंस वो है 5.0 पॉइंट जीरो पावर माइनस सिक्स फेरड और V कितना है 6.0 पॉइंट वोल्ट तो उसी तरह से फेरड जो है ये C ओवर V बनेगा V V से कट जाएगा तो यूनिट हमारे पास C आ जाएगा यानी कोलम और 5 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30.0 बन जाएगा इंटू टेन रेज पर माइनस सिक्स है टेन रेज पर माइनस सिक्स जो है ये माइक्रो होता है तो इसलिए Q3 थ्री इज़ टू थर्टी पॉइंट जीरो माइक्रो कोलम तो इस तरह से तीसरा कैपेसिटर जो है उसके ऊपर जो चार्ज स्टोर होना है क्यू थ्री वो थर्टी पॉइंट ज़ीरो माइक्रो कोलम होना है तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी खुद भी देखें दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि के एम सी एच फिज़िक्स अकैडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें मेरी तरफ से अल्लाह हाफज शाद रहें आबाद रहें